बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है कोलकाता लोकेशन में जिनको, देखिए सबसे पहली बात थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को, ये जो कंपनी है ये बिस्क फार्म कंपनी है और देखिएगा इसमें रहना खाना फ्री है। रहना खाना फ्री में दे करके कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इतना सैलरी नहीं देता कोलकाता लोकेशन में जितना ये दे रही है। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कभी भी इतना नहीं देगी जितना ये दे रही है। वेल, मैं यही कहूँगा कि आप लोग ने क्या करने, पहले वीडियोस पूरा देखना है। एंड पहले ही मैं डिक्लेरेशन कर देता हूँ कि पहले पूरा देख लो वीडियोस, कितना सैलरी है, रहना खाना तो फ्री है लेकिन कितना सैलरी आने वाला है। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल तभी करेंगे जब आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबल का इसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है। वेल, कोई भी कर सकता है, 8वीं 5वीं कोई भी कर सकता है। बेसिकली इसमें लेबोरियस पर्सन ही चलेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ ये नहीं, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं आपके साथ में शेयर करते हैं। वीडियो का लेंथ बढ़ा के अपन कुछ भी नहीं उखाड़ना चाहते, तो लेंथ बढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे ये जो है बिस्क फार्म बिस्कुट फैक्ट्री है और ये कोलकाता लोकेशन में है। हमने ये देखा है, नोटिस किया है कि लोग वेयर हाउस से ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करना पसंद करते हैं। इसका मेजर रीज़न होता है रूम उसमें फ्री होते हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ 1800 से 2000 में मिल जाता है लेकिन इसमें रहना खाना फ्री है, सैलरी भी बेस्ट है। चलिए हम बताते ही है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बिस्क फार्म बिस्कुट फैक्ट्री है, इसमें जो पोजीशंस है फैक्ट्री हेल्पर का पोजीशन है। इसमें ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी है और महीने में 30 दिन काम करने हैं। नो वर्क नो पे का इसमें ठप्पा लगा हुआ है, सिस्टम ही है नो वर्क नो पे का। मतलब कि आपको पर डे बेस के हिसाब से 400 रुपये दिए जाएंगे, 400 रुपये प्रतिदिन आपका सैलरी होगा, यानी कि 12,000 रुपये प्रति माह प्लस रहना प्लस खाना फ्री में। अब इसमें वीकली एडवांस प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो सप्ताह में एडवांस भी ले सकते हो, कंपनी आपको देगी लेकिन उसी रियर केस में देगी। पहले तो एक सप्ताह में पेमेंट नहीं मिलेगा, 10 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। देन यहाँ पे देखेंगे रहना खाना फ्री है, ड्यूटी 12 घंटे की शिफ्टिंग है। क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, यानी कि अगर आप 5वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो, कोई भी हो, डेफिनेटली यू कैन डू इट फॉर दिस वैकेंसी। एंड यहाँ पे एज लिमिटेशन 18 से 37 सालों के बीच में है, यानी कि अगर आपका उम्र सीमा 18 से 37 के बीच में है डेफिनेटली यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और मैं बता दूँ सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है। वेल, आपने जिस दिन विजिट करने हैं उसी दिन आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाने। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप कॉल करके नौकरी ले सकते हो। वेल, यहाँ पे जो भी जॉब्स होता है ट्रस्टेबल होता है। इसमें सैलरी 12,000 रुपये है, मैंने पहले ही आपके साथ में डिक्लेरेशन कर दिया है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम अपने वीडियोस के माध्यम से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा करते हैं, शेयर करते हैं। दैट्स मीन ऐसे ही जॉब्स के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।